जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है मटर। इसमें काफ़ी मटर लगे हुए हैं। मटर को आप बीज से काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस विंटर स्टार्ट होते ही आप इसकी सीडलिंग कर दीजिए। इसके कुछ ही समय में इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आपके पास बीज हो तो आप इसे नेक्स्ट सीजन में ज़रूर ग्रो कीजिएगा। देखिए, इसमें काफ़ी मटर लगे हुए हैं। ये मैंने वेस्ट मटेरियल में ग्रो किया है। देखिए, ये मैंने वेस्ट मटेरियल में ग्रो किया है और इसमें एक, देखिए, ये एक ही प्लांट इसमें लगा हुआ है और इसमें एक सुदर्शन और ये एक सदाबहार भी लगा हुआ है। यह टमाटर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पक चुका है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से पका नहीं हुआ और भी इसमें काफ़ी कच्चे टमाटर लगे हुए हैं। ये मेरा 8 इंच पॉट में लगा हुआ है, इसमें ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। देखिए, मैं इसे हार्वेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन ये टूट नहीं रहा है। देखिए, ये टूट नहीं रहा, इसका मतलब ये अभी पूरी तरह से पका नहीं है। जब ये पूरी तरह से पक जाएगा तब मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगा। यह मैक्सिकन पिटूनिया, ये बेस्ट समर फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये पूरे समर फ्लावरिंग करता रहता है। इसे कटिंग से ग्रो करना काफ़ी आसान होता है। इसे आप काफ़ी आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बस आप इसकी 6 से 7 इंच की कटिंग लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए। कुछ ही समय में इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही समय में ये फ्लावरिंग भी करने लगता है। यह सिंगल चांदनी, ये भी एक बेस्ट समर फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये पूरे समर फ्लावरिंग करता रहता है। इसके अलावा आप इसे कटिंग से काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने इन प्लांट को कटिंग से ही ग्रो किया है। ये लगभग 12 इंच का पॉट है, इसमें 2 कटिंग लगी हुई हैं जिसे मैंने लास्ट ईयर बारिश में ग्रो किया था। इसलिए आपको अगर इस प्लांट को ग्रो करना है तो आप इसे बारिश के दिनों में काफ़ी आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। यह हिबिस्कस, इस समय जितने परमानेंट समर फ्लावरिंग प्लांट है वो सभी ग्रोथ कर रहे हैं और सभी में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है। चाहे वो सिंगल चांदनी हो, डबल चांदनी हो, मधुकामनी हो, सदाबहार हो, पिटूनिया हो और बाकी चाहे जितने समर परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हो, सभी में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गया है। इस प्लांट को भी आप कटिंग से काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसका रिजल्ट भी बारिश के दिनों में काफ़ी अच्छा आता है। इसलिए अगर आपको ग्रो करना हो तो आप बारिश के समय प्लांट को कटिंग से काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह है स्पाइडर प्लांट। ये एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें रनर्स आना स्टार्ट हो गया है। जब इसमें रनर्स आते हैं तो इसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। यह कोलियस एक परमानेंट प्लांट होता है। ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। इसे आप कटिंग से काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट मैंने कटिंग से ही ग्रो किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पाउच में लगा हुआ है। इसे मैंने पाउच में ही कटिंग से ग्रो किया था। ये विंटर में तो काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन समर्स में इसे थोड़ा बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप इसे शेडी एरिया में रखें। समर्स में ये शेडी एरिया में काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है। यह एस्पैरेगस फर्न, ये भी एक परमानेंट प्लांट होता है। ये समर्स में काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है।